Welcome friends, my channel The Ultimate Foundation. मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने अपना चैनल ये न्यू क्रिएट किया है 19 जुलाई 2020। आप सभी को पता है कि 2020 हम लोग के लिए कुछ अच्छा तो जा नहीं रहा है। हमारे कोरोना के वजह से बहुत लॉकडाउन हो गया, जिस वजह से सारे स्टूडेंटों ने अपनी पढ़ाई से बहुत हद तक मुंह मोड़ लिया था। पर अब सभी को टाइम आ गया है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे भारत अनलॉक हो रहा है तो हमारे अपनी पढ़ाई को भी आगे लेके जाना चाहिए। तो मैंने इसी पर्पस से अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है, जिसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखूंगी आप लोग के साथ साथ। मैंने स्टार्टिंग के लिए आपके लिए लाई हूँ भारत के राज्यों के राज्यपाल की सूची। जब स्टार्ट ही करना है हम लोग को तो हम लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन छोटा चीज है बट हर एग्जाम में SSC, रेलवे, डिफेंस हो गया या अदर EPFO हो गया, सब में अगर आप देखा जाए तो 3 शेड्यूल में एग्जाम होगा, तो एक ना एक शेड्यूल में जरूर इनसे क्वेश्चन किया जाएगा, राज्यपाल कौन है या कौन थे या कार्यकाल एसेट्रा, इनकी योग्यता वगैरह में। तो इन सबसे रिलेटेड मैंने आज आपके लिए कुछ क्लास लेकर के आई हूँ। इस क्लास में आपको आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि हमारा है भारत के राज्यपाल। राज्यपाल को आपको पता है कि गवर्नर कहते हैं, है ना? तो हमारा राज्यपाल यानी कि गवर्नर। तो भारत के राज्यपाल के कुछ कुछ उनमें बातें होती हैं जो आपको जाननी जरूरी है। इनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? जैसे योग्यता हो गई, नियुक्ति हो गई, कार्य अवधि हो गए, ये सब। तो हमारे राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में होती है तो आपको पता है, तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये भी आपको पता है कि राज्य और केंद्र शासित हम लोग हमारे में दो बटे हुए हैं। तो राज्य में हो गए राज्यपाल और केंद्र शासित में हो गए उपराज्यपाल। तो अब आ रहा है राज्यपाल की योग्यता। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आएगा और जाके राज्यपाल बन जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये हमारे भारत के संविधान में इसके लिए पर्पस एक बना है कि बस एक वो पर्टिकुलर योग्यता क्या है, अनुच्छेद क्या है, सारा कुछ आपको हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो उसी संविधान में आर्टिकल है अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को योग्यता होना अनिवार्य है। यानी कि हमारा 157 योग्यता बताता है, तो उन योग्यताओं में कुछ योग्यता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वो भारत का नागरिक हो, ऐसा तो नहीं है कोई अमेरिका वाला उठ के आएगा और बोलेगा मैं राज्यपाल बन जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहला हो गया भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो, यानी कि वो किसी भी फील्ड में जॉब बोलो या बिजनेस बोलो, ऐसा वो नहीं कर सकता है, ठीक है? उस टाइम उसको खाली होना होगा, तभी वो राज्यपाल का पद संभाल सकता है। वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, ठीक है? वो पागल या दिवालिया घोषित ना किया जा चुका हो। तो फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है राज्यपाल की उम्र, आप कौन सी उम्र में राज्यपाल बन सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, 35, 30, 40, 25, 20। तो आप कंफ्यूज ना हो, उस टाइम आप चुपचाप से 35 वर्ष जहां दिया हो आप उसको टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हो। और योग्यता के लिए आपको अनुच्छेद दे दे 155, 167 या 157, तो आपको पता है क्या लगाना है, 157 लगाना है। हमारा नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है? लेकिन इसके लिए भी हमारा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 155 है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति कर सकता है, इसके लिए वोट कराने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वो निवासी है। आप समझ ही चुके होंगे कि जो व्यक्ति अगर जिस स्टेट का है वहां का वो राज्यपाल नहीं बन सकता, उसे कहीं और का ही राज्यपाल बनाया जाएगा। राज्यपाल की कार्य अवधि भी कुछ होती है। तो राज्यपाल की कार्य अवधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है, ठीक है? लेकिन बट कंडीशन है, अगर 5 वर्ष में अगर हम चुनाव दोबारा नहीं करवा सकते, अगर राष्ट्रपति की तरफ से कोई राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक, किसी भी कारणवश तब तक वो पद खाली नहीं रहेगा, उस पद पर आसीन रहेगा जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आजकल इन सब से भी ज्यादा ही क्वेश्चन किया जा रहा है, जैसा मैं आने एग्जाम में देख रही हूँ। चलिए अब है जो हमारे फेमस है, जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान के भारतीय गवर्नर, यानी कि वर्तमान में भारतीय राज्यपाल।
सो फ्रेंड्स, ये मैं एकदम लेटेस्ट लाई हूँ इस दिस मंथ के ही है, लेकिन अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आते जाते रहते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो मैं इसमें जो भी अपडेट आएंगे नए तो मैं आपको फिर अपडेट कर दूंगी। तो चलिए मैं बताना चाहती हूँ, पहला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ के राज्यपाल है बीडी मिश्रा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और आप नोटिस कर रहे हो कि मैंने यहाँ पे आपको चित्र भी दिया है, कार्यकाल भी दिया है। तो आजकल के क्वेश्चंस में हो सके इनका कार्यकाल भी पूछ दे, कब नियुक्त हुए हैं, कितने दिन से ये है, तो ये सब भी आपको जानकारी रखनी जरूरी है। बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इनका नाम इम्पोर्टेंट है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ के भी हैं, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो मैंने आपको पीछे बताया वो आप देख सकते हो, पर ये भी आप एक नज़र देख सकते हो। तो दूसरा है असम। असम राज्य के राज्यपाल कौन हुए? जगदीश मुखी। हमारा नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए विश्वभूषण हरिचंदन। हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, ये गुजरात की मुख्यमंत्री भी ये रह चुकी हैं जब नरेंद्र मोदी ने अपना पद त्याग दिया था, मतलब जब हमारे प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे तब उन्होंने गुजरात का अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था, तब आनंदीबेन पटेल को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब ये हमारे उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। हमारा नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है बेबी रानी मौर्य। हमारा नेक्स्ट स्टेट है ओडिशा। ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। हमारा नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल है मज्जू भाई बाला। हमारा नेक्स्ट स्टेट है केरल। केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान। हमारा नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत। हमारा नेक्स्ट स्टेट है गोवा। गोवा के हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को आप सभी जानते हैं, अभी जम्मू कश्मीर में जो भी मामला चल रहा था वहां के रेसिडेंशियल एक्ट को लेकर के, अलग संविधान को लेकर के, उस टाइम इन्होंने वहीं का मोर्चा संभाला हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से अपना कार्यकाल संभाला। अभी गोवा के राज्यपाल में नियुक्त किए गए हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की है अनुसुईया उइके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। झारखंड की है द्रौपदी मुर्मू। हमारा नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के हैं बनवारी लाल पुरोहित। हमारे तेलंगाना। तेलंगाना के हैं तमिल साई सुंदर राजन। नागालैंड। नागालैंड के हैं रविंद्र नारायण रवि। पंजाब। पंजाब के हैं बीरेंद्र पाल सिंह बदनोर। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हैं जगदीप धनखड़। हमारा नेक्स्ट है बिहार। बिहार के हैं फागु चौहान। हमारा नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर की है नजमा हिबतुल्ला। हमारी नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है लालजी टंडन। लालजी टंडन इससे पहले बिहार के रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में है पी एस श्रीधरन पिल्लई। चलिए नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में है तथागत राय। राजस्थान। राजस्थान में है कालराज मिश्र। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में गंगा प्रसाद। हरियाणा। हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य। हमारा नेक्स्ट त्रिपुरा। त्रिपुरा के हैं रमेश बेज। अब फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मैं इसके बाद आपके लिए केंद्र शासित में उपराज्यपाल की नियुक्ति के भी वीडियोस लाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में बांटें, हो सके मेरा वीडियो को जितने से जितना ज़्यादा हो सके।